देखिए बहुत शर्मनाक और दुखदायक घटना है। जैसे दिल्ली में निर्भय कांड हुआ था, ये भी पंजाब का निर्भय कांड है और उससे भी दुखदायक है कि बसें जो हैं वो सत्ताधारी बादल परिवार की हैं। पहले तो उन्होंने झूठ बोला हरसिमरत कौर जी ने कि मैं पता कराऊंगी, जांच कराऊंगी ऑर्बिट कंपनी किसकी है, जबकि वो खुद इन किसकी डायरेक्टर हैं। इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया हुआ उन्होंने कि मैं सुखबीर सिंह बादल के इतने शेयर हैं इस कंपनी में, 87% शेयर। तो अब जब पोल खुल गई है, पार्लियामेंट में भी हमने कल शोर मचाया था इस बात को लेकर, तो जैसा निर्भया कांड के में दिल्ली में जो यादव ट्रैवल कंपनी जो है उसके उसके मालिकों के खिलाफ 304A का दर्जा जो केस दर्ज हुआ है, जैसे उबेर कंपनी को बैन किया गया टैक्सी कंपनी को दिल्ली में, उनके डायरेक्टरों पर जो क्रिमिनल केस दर्ज हुए, वैसे ही ऑर्बिट कंपनी के डायरेक्टर्स और मालिकों पर क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए और ऑर्बिट बसों को पंजाब में सड़कों से बैन किया जाए और ये जांच पड़ताल हो कि इन जो ये बसें हैं इनके परमिट जो हैं वो इलीगल हैं या लीगल। चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, अभी तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, एक और रेप केस रिपोर्ट हुआ है, से क्या कहेंगे? ये इससे पता चलता है कि पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जो पुलिस है इनकी वर्कर बन के काम कर रही है। और डीजीपी खुद कह रहे हैं कि हम सुखबीर बादल को नहीं बुला सकते, सुखबीर बादल क्या कानून से ऊपर हो गए? तो इसलिए उनको आना होगा। लोगों का गुस्सा जो है अब वो सड़कों पर उतरा है, अब ये जल्दी थमने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं ना कहीं प्रेशर डाला जा रहा है, बिल्कुल उनके परिवार पर प्रेशर डाला जा रहा है, उसके पिता को कहा जा रहा है कि ब्लैंक कागज पर साइन कर दो, अंगूठा लगा दो, तो ये केस को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। आप कब तक इस तरह का, जब तक ये बसें बैन नहीं होती और इन पर क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होते इनके मालिकों पर। क्या हुआ? निकले नहीं है, गिरे तो काम पे थे। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी किते वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।